बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आउट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 नेम्ड लाइट इन द नाइट विच हाईलाइट्स द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट लाइट्स बाय द ऑथर क्लायर हॉर्सबर्ग। इट इज अ सिम्बॉलिक स्टोरी रिटन फॉर कंपेयरिंग इन आवर लाइफ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। Many people got jobs related to connecting these street lamps on the side of road which are powered by electricity. ये एक अलामती यानी सिम्बॉलिक स्टोरी है। ये उस दौर की कहानी है जब हमारी ज़िंदगी में बिजली जैसी सहूलत का कोई वजूद नहीं था। इस कहानी में लंदन जैसे शहर के बारे में बताया गया है। जब बिजली इजाद नहीं हुई थी तो लंदन शहर में रात के वक्त शहर को रोशन रखने और आमदोरफ्त के लिए किस तरह का इंतज़ाम इख्तियार किया जाता था। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि रात के औकात में स्ट्रीट लैम्प्स को जलाने और दिन के औकात में उन्हें बुझाने के लिए बाकायदा लोगों को मुलाजमत पर रखा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये कहानी है आज के लंदन शहर की, जो दुनिया के बड़े और अहम शहरों की तरह रात में एक चमकते दमकते शहरों में से एक है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि स्ट्रीट लैम्प्स के इस्तेमाल या इंस्टॉलेशन से पहले लंदन के लोग रात के औकात में अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करने पर मजबूर थे। 17वीं सदी से पहले रात में आज का रोशन और चमकता लंदन आज के शहर के मुकाबले में बहुत ही छोटा था। लोगों का रात के औकात में घरों से निकलना और लोगों से मिलना सिर्फ और सिर्फ इस ऐसी ही रातों में आसान और मुमकिन होता था जब आसमान अबर आलूद ना हो और चाँद की रोशनी चारों तरफ फैली हो। यही वजह थी कि लंदन में चाँद की अदम मौजूदगी में यार अबर आलूद रातों में बाहर निकलना खतरनाक होता, क्योंकि अंधेरे में ना सिर्फ फिसलने गिरने का खतरा होता बल्कि ज़ख्मी हो जाने का भी बहुत इम्कान होता। इसके साथ साथ अंधेरे की वजह से दरिया में गिर जाने की सूरत में डूब जाने का खतरा भी बहुत था। ये वो वक्त था जब लंदन शहर में रात के अंधेरे में जराइम पेशा अफराद का राज होता, जिनके हाथों लुटने और हमलावर होना कोई मुश्किल ना था। बगैर चांद की रातों में रास्ता भटक जाना या खो जाना भी एक आसान सी बात थी। तमाम लोगों को अंधेरी रातों में बाहर निकलने के लिए मशल या चिराग इस्तेमाल करने पड़ते थे, जबकि पैसे वाले पैसे देकर ऐसे लोगों की खिदमात हासिल करते थे जो उन्हें मशल या चिराग लेकर उनके आगे आगे चलते ताकि इस तरह वो रोशनी में अपना सफ़र जारी रख सकें। पैसे लेकर रात के अंधेरे में मशल बरदार या चिराग लेकर चलने वालों को लिंक बॉयज़ कहा जाता। ये लिंक बॉयज़ ऐसे भी होते जो रास्ते में लूट भी लेते और अंधेरे में लोगों को छोड़कर फरार भी हो जाते थे। 17वीं सदी के आगाज़ के बाद लंदन और पेरिस जैसे मसरूफ़ शहरों के कुछ हिस्से स्ट्रीट लैम्प से रोशन हो चुके थे। पेरिस जहाँ लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स का आगाज़ हो चुका था, जहाँ पुलिस की तरफ से ये कानून था कि हर घर की खिड़की में रात भर चिराग जलता रहना ज़रूरी है। लैम्प्स बुझ जाने की सूरत में उसे दोबारा जलाया जाना भी ज़रूरी था और ऐसा ना करने पर जुर्माना अदा करना पड़ता, और इस तरह पूरे यूरोप में बाकायदा स्ट्रीट लैम्प्स का आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ हो गया। 17वीं सदी में लंदन शहर ने बहुत तेज़ी से बढ़ना और तरक्की करना शुरू किया और देखते ही देखते लंदन शहर तिजारती सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बन गया। तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि रात के औकात में लंदन शहर की तारीकी दूर की जाए ताकि तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर ना हों। 17वीं सदी के आखिर तक लंदन शहर का एक बड़ा हिस्सा रात में स्ट्रीट लैम्प से रोशन हो चुका था। स्ट्रीट लैम्प्स को रोशन रखने वाले लैम्प लाइटर्स देखते ही देखते बहुत तेज़ी से सोसाइटी का एक अहम और लाजमी हिस्सा बन गए। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑयल लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ले ली और फिर बिजली की इजाद के बाद इलेक्ट्रिक लैम्प्स इस्तेमाल होने लगे। अगरचा आज के दौर में लंदन एक तरक्की याफ्ता जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता और रोशनियों का शहर कहलाता है, जहाँ का हर हिस्सा रात में दिन की तरह रोशन है, लेकिन इस शहर के तारीखी विरसे यानी स्ट्रीट लैम्प्स का नज़ारा आप ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स के साथ आज भी कर सकते हैं, जहाँ तरतीब से एक लाइन में 1500 स्ट्रीट गैस लैम्प्स हैं। इनके लिए 5 मुलाजमीन रखे गए हैं जिनका काम रोज़ाना शाम को इन गैस लैम्प्स को रोशन करना और सुबह के वक्त बुझा देना है। Dear students, before starting the reading, let me inform you that the only first page reading to be done in this video and rest of the chapters reading to be done by all of you as homework. Now, I will read out
the words to know first. Our first word is enforce, to make sure something is done, इस बात को यकीनी बनाना कि दिए गए काम पर अमल हो गया है. द सेकेंड वर्ड इज विक, अ स्ट्रिंग इन ऑयल और इन द मिडल ऑफ अ कैंडल दैट इज लिट फॉर बर्निंग, मोमबत्ती के दरमियान में मौजूद वो धागा जिसके जलाने पर मोमबत्ती जल उठती है. नाउ इट्स रीडिंग टाइम. आवर चैप्टर नेम इज लाइट इन द नाइट. इट मीन्स अंधेरे में रोशनी या रात में रोशनी का इंतजाम होना. London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before the 1700s, London was much smaller than it is now. On cloudless, moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But nighttime in the city could be dangerous. You could trip, fall, and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people, so that they could see the way through the dark streets. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. By the early 17th century, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. People enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamp lighters in return for payment. Lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. The street lamps reassured people and made them feel safer. Now here we have 8 question answers of the chapter Light in the Night, which to be done properly and neatly as I have told you in video 1. Now here comes the title page of the chapter Light in the Night. So dear students, all you need to do to make a beautiful and proper title page as shown on your screen before writing down the question answers.